बदला गुल्लर दो, दारू शारू गुल्लर दो, बिस्की का पैक लगा के सारी दुनिया गुल्लर दो। Hey! अल्फाजिया की बैटिंग शुरू हो गई है। उनके दोनों ओपनर अली फिरोबत और इरफान ओपन के लिए आए हैं। गो बैक। बड़ी अच्छी बॉल, बॉल को देखा, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई खतरा मोल नहीं लिया। बहुत आरामदार सोहेल अल-फ्रांसिया का इन दोनों बैट्समैनों के ऊपर, इनफॉर्म बैट्समैन। अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। अच्छी पेस से बॉलिंग करते हुए बॉलर, 138 रन का टारगेट मिला है सोहेल अल-फ्रांसिया को। डिवीजन बी का ये फाइनल, और पारी किनारा लेकर गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर के पीछे आ रहे हैं और अच्छे तरीके से उन्होंने इस बॉल को फील्ड किया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने दो रन पूरे किए। वन शॉट, अंपायर काशप का इशारा, एक शॉट रन। से खेला इसको पॉइंट की जाने, फील्डर वहां पे बड़े तेज। श्रीलंकन टीम की फील्डिंग बहुत जबरदस्त, यहाँ पे कोई भी श्रीलंकन टीम है, इवन लंका लाइन, वाईएसएससी या दूसरी कोई भी टीम, उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड दूसरी टीमों से बहुत ही उम्दा। जोरदार शॉट, छह रन और बहुत बड़ा छक्का, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी जिसका पूरा फायदा उठाया इरफान ने। बहुत ही अच्छे बैट्समैन इरफान, बॉलर इस बॉल पे गिर गए थे।
जयमन जयमन इधर ओके मुश्किल नहीं जयमन उधर कुछ खाना आएगा तो ना थोड़ा लेके पहले ओवर के एग्जाम पर स्कोर बॉलर फ्रांसिया का 14 बगैर किसी नुकसान के जोरदार शॉट एक टिप्पा खाने के बाद सीधी फील्डर के हाथों में जोरदार शॉट खेला था अली रोबर्ट ने लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में 138 रन का टारगेट लंका लाइन ने दिया है सोहलर फ्रांसिया को और जोरदार अपील लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट स्वीप करना चाहते थे इसको इरफान उमदा शॉट अच्छा गौर की जाने चार रन किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोक सके गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई डीजे प्लीज स्टॉप फॉर प्ले बड़ी कीमती विकेट हासिल की लंका लाइन के बॉलर ने इरफान जो काफी सेट नजर आते एक अपेक्षा खेला सीधा पॉइंट पे खड़े फील्डर के हाथों में आउट होकर पवेलियन में वापस आ गए हैं नए बैट्समैन अब्दुल्ला इफ्तार जो साथ देंगे अली रोबर्ट का कुर्ता वशार और रन का खतरा है फील्डर गेंद के नीचे आ रही है और ट्रैप कर दिया उन्होंने ये कैच बड़ी उमदा एफर्ट थी ये फील्डर की जानिब से इस दौरान दो रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने फुट पे जाके इसको लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला फील्डर वहां पे मौजूद अकलंगा परितेज स्मार्ट फील्डर एक रन का इजाफा बड़ा कीमती ओवर जिसका इख्तिताम हुआ है जिसमें बड़ी कीमती विकेट हासिल की इरफान की Thank you.
पीटू इस बॉल पे जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे अली, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी बॉल, अच्छे अंदाज से खेला अली ने, लॉन्ग ऑफ की जानिब एक रन हासिल किया। दोनों के इकदाम पर मजबूत स्कोर 4 रन फ्रांसिया का 21, एक खिलाड़ी के नुकसान पर 138 रन का टारगेट है जो उन्होंने हासिल करना है। बीमर फुल टॉस और 4 रन, नो बॉल और 4 रन, इस तरह 5 रन का इजाफा। चिंता से इसको स्क्वायर की जानिब निकाल दिया, गेंद मॉडरिया की तरफ जा रही है, फील्डर के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे किए जब तक फील्डर ने थ्रो वापस किया कीपर के हाथों में। अंदाज से खेले इसको गली की जाने एक रन हासिल किया। बड़ी उमदा फील्डिंग का मजारा कर रहे हैं लंका लाइन की टीम। तरीके से खेले इसको लगाम की जानिब एक रन हासिल किया। बड़ी उमदा फील्डिंग, बड़ा ही उमदा थ्रो, अगर ट्रैक लगता तो कुछ खतरनाक हो सकता था अली के लिए। अली टोका नहीं रख सके इसको, इतनी तेज थ्रो आएगा, बहुत ही उमदा फील्डिंग। बड़े स्टाइलिश अंदाज से बॉलर की तरफ खेला अब्दुल्ला इफ्तिखार ने, बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। Yeah.
तीन ओवरों के इख्तिताम पर मजमू स्कोर 31, एक खिलाड़ी के नुकसान पर बड़ी कीमती विकेट जो अब तक लंकालाई ने हासिल किया इरफान। तो दार्जिलिंग से खेले मिड विकेट की जानेब, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई, चार रन, जोरदार शॉट अली हीरो का। दफाई अंदाज से खेले अली, पूरी जिम्मेदारी के साथ अली बैटिंग कर रहे हैं, कैप्टन इनिंग्स। और एक दफा फिर पहले जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, आखिरी मौके पे अपने स्ट्रोक को चेक किया, बॉल को चेक किया और दफाई अंदाज से खेले, बॉलर की तरफ किसी रन का इजाफा नहीं। और बीट हुए, ये फ्लाइटेड बॉल, थोड़ा सा लालच दिया बॉलर ने अली को, लकी रहे अली के गेंद स्टंपों में नहीं थी। फिर दफाई अंदाज से बॉल बैक ड्राइव, किसी रन का इजाफा नहीं। बहुत ही जोरदार शॉट, स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के दरमियान, चार रन, उमदा शॉट अली के बैट से। चौथे ओवर का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा, स्कोर 39, चार ओवरों के इख्तिताम पर एक खिलाड़ी के नुकसान पर 99 रन चाहिए सवाल फ्रांसिया को, बाकी मानना 16 ओवर। बॉलिंग में तब्दीली की जा रही है, पहले इस एंड से फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, शॉर्ट फाइव लेग, शॉर्ट स्क्वेयर लेग, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, कवर और हल्के से खेल कर एक रन लेना चाहते थे, लेकिन अली ने मना किया, खतरनाक हो सकता था अगर ये भागते। अच्छी फील्डिंग का मुजहरा लंगा लाइन की तरफ से अब तक, कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, गली और डीप कवर स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहे हैं नए बॉलर। और इसको फाइनल पे निकालना चाहते थे, और बड़ी उमदा स्टंपिंग, बहुत ही उमदा स्टंपिंग, थोड़ा सा पांव उठाया था जिसका पूरा फायदा उठाया विकेट कीपर ने, बहुत ही उमदा स्टंपिंग, बड़ी कीमती विकेट। तेरा धीन किधर है, तेरा ही
से के लिए उसको कवर की जाने किसी रन का इजाफा नहीं। इससे पहले अब्दुल्ला इत्तेहार स्टंप आउट होकर पवेलियन में वापस आ चुके हैं। इसका पूरा क्रेडिट मैं कीपर को दूंगा। फर्स्ट स्टंप कीपर सर। दो तरीके से खेलना चाहते थे। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर काश्यप भट्ट का। थर्डमैन की तरफ जा रही है, फिर उसके पीछे बाहर स्लाइड मार के उन्होंने इस बॉल को रोका। एक रन का इजाफा। बाई का इशारा अंपायर काश्यप भट्ट का। निकालना चाहते थे फाइंडा की जाने लेक्सम के बाहर। ये गेंद अंपायर का इशारा वाइड। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने एक रन हासिल किया। से खेले जकरिया और उन्होंने अपनी बॉल पे खुद ही फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। पांचवें ओवर का खेल जारी। स्लो मीडियम फास्ट। एक दफा फिर लग सकता बाहर। गेंद बाउंड्रीया की तरफ आ रही है। फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोक सके। चार रन। पांच ओवरों के इख्तिताम पर मजबूत स्कोर 48।
दो खिलाड़ी के नुकसान पर 138 रन का टारगेट हासिल करना है सुहाद अल फ्रांसिया ने। सर्कल का ये आखिरी छक्का ओवर, उतावा शॉट, गेंद प्रति से पॉइंट, 6 रन, जोरदार शॉट अली हीरो का। एक दफा फिर रुकता हुआ शॉट, लेकिन इस दफा फील्डर के हाथों में एक रन का इजाफा। जबरदस्त इंटरटेन का नजारा मेरे दाएं जानिब ढोलकी की थाप पे। बहुत ही उमदा स्टॉप, सारे श्रद्धा से खेला, लग ऑफ की जाने फील्डर वहां पे मौजूद, एक का इजाफा। शॉट फील्डर गेंद के पास आ रहे और ड्रॉप कर दिया ये कैच। अरे जो बड़े जाराना मूड में है, हर बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंकना चाहते हैं। से खेले इसको कवर की जाने किसी रन का इजाफा नहीं। मेगा पॉइंट के लिए एक अनाउंसमेंट, अरोमा और सेफ्टी प्लस के कैप्टन से दरख्वास्त की जाती है। कशाट बहुत उमदा फील्डिंग, बहुत ही उमदा फील्डिंग, अगर ये गेंद बॉडीलैंड पार कर सकती थी, लेकिन फील्डर की उमदा डाइव और फील्डिंग की वजह से 3 रन सेव किए उन्होंने अपनी टीम के लिए। सेफ्टी प्लस और अरोमा के लिए एक अनाउंसमेंट, दोनों टीमों के कैप्टन से दरखास्त की जाती है। स्कोर बोर्ड में आता है मिस्टर नवीन से रास्ता करें, अरोमा और सेफ्टी प्लस के कैप्टन से दरखास्त की जाती है। तो अपनी रिपोर्ट करें मिस्टर नवीन को, स्कोर के पवेलियन में रोमा के कैप्टन अमजद और सेफ्टी प्लस के कैप्टन ऋषि से दरख्वास्त की जाती है, आप प्लीज दोनों स्कोर बॉक्स में मिस्टर नवीन से राबता करें। टॉस के लिए फादर मेकअप फाइनल दफा इंदा से खेला इसको, किसी रन का इजाफा नहीं। बॉलर ने अपनी बॉल पे खुद ही फील्ड किया, वापस जा रहे अपने बॉलिंग मार्क पर। 6 ओवरों के इख्तिताम पर मजबूत स्कोर 58, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत उमदा कैच शॉट, 1 रन हासिल किया, 2 रन के लिए भाग पड़े दोनों खिलाड़ी, 2 रन भी बड़ी आसानी के साथ पूरे किए।
अच्छा शॉट ये पॉइंट की जानब फील्डर बॉडी लाइन के बावजूद एक रन हासिल किया और सिर्फ एक ही रन बना पाएंगे क्योंकि विकेटों के दरमियान इतने तेज नहीं है रनिंग। बड़ी आसानी के साथ ये दो रन हो सकते थे। चौथा तरीके से खेलना चाहते थे, गेंद ने पायरी किनारा लिया, गेंद गई थर्डमैन शॉर्ट थर्डमैन की तरफ, किसी रन का इजाफा नहीं। बहुत अच्छा शॉट लामान की जाने, एक रन का इजाफा। भाई नाज से फिर खेले बालों की तरफ, किसी रन का इजाफा नहीं। सात ओवरों के इख्तिताम का स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर सात ओवरों के इख्तिताम पर। सोहेल अल फ्रांसिया का दो खिलाड़ियों के नुकसान पर आउट होने वाले दोनों खिलाड़ी इरफान और अब्दुल्ला ताहिर 138 रन का टारगेट है सोहेल अल फ्रांसिया को। ताज जीत कर पहले खेलते हुए लंका लाइन की टीम 137 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई, जिसके जवाब में अब तक फ्रांसिया 62 रन बना चुकी है दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। बहुत अच्छे अंदाज से इसको हल्के से निकाल लिया एक रन के लिए। उन्होंने खुद ही जाके अपनी बॉल को फील्ड किया। अच्छी बॉल दबाई अंदाज से खेले, उसको पॉइंट की जाने फील्डर वहां पे मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। तरीके से खेलना चाहते थे इसको फाइनल लेग की जानिब, गेंद के थर्डमैन की तरफ एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने। बॉल भी लगता है बारबेक्यू का टेस्ट करने के लिए, कितना टेस्टी बना रहे हैं मेलबर्न और अनिल जो आज के स्पॉन्सर हैं।
और एक दफा फिर उठा के शॉट, एक और छक्का सीधा स्कोर बोर्ड के पास। बहुत ही उम्दा हिटिंग, जितनी उनमें जान है उसी हिसाब से दोनों छक्के।
9 रनों के इकतराम पर 87 मजबूत स्कोर 14 अल्फ्रांसिया का 138 रन का टारगेट मिला है 14 अल्फ्रांसिया को। रोमा के कैप्टन अमजद और सेफ्टी प्लस के कैप्टन ऋषि से दरख्वास्त की जाती है जल्द से जल्द स्कोर बॉक्स में रिपोर्ट करें प्लीज। इस फाइनल के बाद मेगा इवेंट का मेगा फाइनल डिवीजन ए की दो टीमें जोरदार तरीके से खेले। अली मिड विकेट की जानेब एक रन पूरा किया। इसके बाद रोमा और सेफ्टी प्लस का फाइनल डिवीजन ए की दो नामांकित में अच्छी शॉट गैप में फिल्डर गेंद की तरफ आ रहे हैं और आगे गेंद को रोका। इस दौरान दो रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने। अच्छे अंदाज से इस बॉल को देखा, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, किसी रन का इजाफा नहीं। उड़ता हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और बड़ा आसान कैच फील्डर ने ले लिया। इस तरह सक्रिय ऑलराउंडर प्रवीण गए वापस आ रहे हैं।
खेलकर एक रन हासिल किया अली ने। बड़ी उम्दा बैटिंग का मजा कर रहे हैं अली, बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं कैप्टन इनिंग्स। ओवरों के इंतजाम पर मजबूत स्कोर 91, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। स्टॉप लॉन्ग ऑन की जानेब, एक रन दोनों बैट्समैन ने इस दौरान पूरा किया। बैट्समैन है मैरी हुमैर मैरी
बारहवें ओवर का खेल जारी। यदि अंपायर्स बॉक्स में रिपोर्ट करें कि और बड़ा तेज पावर बैक ड्राइव दोनों फील्डरों के दरमियान साइड स्क्रीन के नीचे से चार रन वॉल्यूम का स्टॉप। इस तरह 50 रन भी पूरे हुए अली के। बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया अली ने आज, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लंका काफी परेशान, और बीट हुए, पूरी तरह बीट हुए अली इस बॉल पे। लंका लंका लाइन के फील्डर जो काफी परेशान, क्योंकि बड़ा आसान कैच छोड़ा था अली हीरो का अकलंका में। दूसरा सेम जगह पे कैच छोड़ा है अकलंका ने। सामने आके इसको क्रॉस पैड के साथ खेले, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा मैरी को। नए बैट्समैन अवैस, काफी पुराने खिलाड़ी सुहादत फ्रांसिया के। तीन मजमू स्कोर, चार खिलाड़ियों के नुकसान पर 12 ओवरों के इख्तिताम पर। मजीद 35 रन चाहिए सुहैल अल फ्रांसिया को यह फाइनल जीतने के लिए बाकी मांदा 8 ओवरों में। लेकिन जब तक अली क्रीज पे मौजूद, सुहैल अल फ्रांसिया की उम्मीदें कायम। लंका लाइन के बॉलर भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह अली की विकेट हासिल की जाए। पिछले ओवर में एक कैच निकला जो उनके फील्डर के हाथों से लगता हुआ नीचे गिर गया। उम्दा शॉट, बहुत ही बड़ा छक्का। समी अली हीरो भट्ट डबल विकेट, दो का दम का पूरा गुस्सा निकाला है आज डिवीजन बी के फाइनल में। बिल्कुल सही कहा साजिद आपने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग अली हीरो भट्ट की। और ये शानदार शॉट सीधी खेली फिर से एक रन और साजिद बाकी इन बार कर दी चार रन। कप्तान की इनिंग्स खेल रहे हैं अली हीरो भट्ट। Captain not being played by Ali Hero Bhatt. A huge number of sixes, rather a couple of sixes that were huge, making sure he finishes the game now for his team. Shandar shot, Gavin Kelly ball racing for another boundary. Khubsurat shot, Ali Ki.
बहुत पंप अप हुए हुए अली इस वक्त सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिता रहे हैं। आज हमने जबरदस्त इनिंग्स किया और कैप्टन इनिंग्स जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल सही कहा आपने समय में, काफी लंबे अरसे से लोग अली की बैटिंग की तारीफ करते हैं कि बहुत शानदार बैट्समैन है। आज उन्होंने अपनी जानदारी का इस्तेमाल किया है समझदारी के साथ और ये एक और चौका विकेट की जान है। साझा चौके और छक्कों की बारिश लगा दी है अली ने। बिन बुलाई बरसात समीर भाई, बिन बुलाई बरसात। बहुत ही उम्दा बैटिंग अली रोबर्ट की, बहुत ही उम्दा, जितनी तारीफ की जाए कम, लेकिन उनका पूरा पूरा साथ दिया श्रीलंका लाइन के फील्डर अकरंका ने, जिन्होंने दो आसान कैच छोड़ दिए अली के, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है लंका लाइन को। अब When you watch Ali Herobot bat, he gives you an impression that you are watching a Big Bash League match. And there's another six to Ali Herobot. बहुत बड़ा चक्का ये भी। And with that, we reintroduce DJ Blaze in the house. Ali Herobot chooses to stay back and take the strike again. 10 runs to win, definitely going to go down with a 6 and a 4. There's always this thing about big batsmen, they always want to finish with a big hit. Let's see if Ali Herobot can finish this magnificent chase with some boundaries. 10 runs to win. साजिद आप उसको लालच दे रहे हैं, मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। हल्के से खेल दिया इसको पॉइंट की जाने, एक रन हासिल किया और ओवर थ्रो की सूरत में दूसरा रन भी लेना चाहते हैं, लेकिन अवैस काफी आगे निकल गए हैं। एक ही रन बना पाए दोनों बैट्समैन। चौथे ओवर का खेल जारी। और बॉलों में अवैस बड़े
खतरनाक अंदाज से खेले। कोई जरूरत नहीं थी, मैं समझता हूँ उनके कैप्टन सुशील ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे। कदम डबल विकेट चैंपियनशिप की सेमीफाइनल प्रेजेंटेशन के बाद 11:30 बजे शुरू हो जाएंगे। 4 सेमीफाइनलिस्ट हमारे हैं, खालिद भट्ट, इरफान मुगल, उमर बूम बूम, अब्दुल्ला खान, जाहिद खान और इरफान भट्टी एंड ऋषि एंड अफजल। की जाने में रन हासिल किया पीसी ने। अभी आप सामना करेंगे से खेलना चाहते थे, पीट हुए, लगी रहे गेंद स्टंप में नहीं गई। ओवरों के इख्तिताम पर मजबूत स्कोर 130, 8 रन चाहिए सुहैल अल्फ़राज़िया को, उनके 5 विकेट अब भी बाकी हैं, बाकी 6 ओवरों का खेल बाकी। पादरी का मेला जो यहाँ पे मेरे दाएं जाने लगा है उसको स्पॉन्सर किया है लेक्सिस के कैप्टन मिस्टर अनिल और एमजी के कैप्टन मिस्टर मेलवन ने। इसको फाइनल की जान खेलना चाहते थे, गेंद पैडों पे लगी, अली पाक के रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया पीसी ने। चलिए